आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि क्या समय यात्रा करना संभव है। हम टाइम ट्रेवल की बात कर रहे हैं। समय यात्रा का रहस्य क्या है और टाइम ट्रेवल हम कैसे करें? टाइम ट्रेवल मशीन भी है और हमेशा इस पे जिक्र होता रहता है। हब जॉर्ज वेल्स का एक उपन्यास है द टाइम मशीन, जो 1985 में प्रकाशित हुआ था। तो क्या ये किया जा सकता है? व्हाट इज टाइम ट्रेवल? समय यात्रा पर एल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक का एक सिद्धांत मौजूद है और उसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति टाइम का गुलाम है, मगर व्यक्ति समय को अपना गुलाम बना ले, मतलब कि यदि व्यक्ति प्रकाश की चाल से भी तेज यात्रा करे तो अपने भविष्य में जा सकता है। टाइम मशीन से भविष्य और भूतकाल में जाया जा सकता है। तो क्या ये संभव है? इसके अपने कुछ विरोधाभास हैं, पैराडॉक्स जिसको कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बिना माता पिता के भी हो सकता है। क्या होगा जब कोई व्यक्ति भूतकाल में जाकर अपना पैदा होने से पहले अपने माता पिता की हत्या कर दे? प्रश्न यह है कि यदि उसके माता पिता उसके जन्म से पहले ही मर गए तो उनकी हत्या करने के लिए व्यक्ति पैदा कैसे हुआ? एक विरोधाभास है। उसी तरह एक और विरोधाभास है जिसमें एक व्यक्ति का कोई भूतकाल नहीं है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक युवा आविष्कारक अपने गैराज में बैठकर समय यान मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने प्रकट होता है और उसे समय यान बनाने की विधि देकर अदृश्य हो जाता है। युवा आविष्कारक समय यात्रा से प्राप्त जानकारियों से शेयर मार्केट, घुड़दौड़, खेल के सट्टे से काफी सारा पैसा कमाकर अरबपति बन जाता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तब वह समय यात्रा कर भूतकाल में जाकर अपनी ही युवावस्था को समय यान बनाने की विधि देकर जाता है। प्रश्न यह है कि समय यान बनाने की विधि कहां से आई? अभी तक आपने जाना कि समय यात्रा क्या है, अब बात आती है कि क्या समय यात्रा संभव है? क्या हम एक समय से दूसरे समय में जा सकते हैं? समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल एक ऐसा विषय है जो केवल कल्पनाओं पर टिका है। कई लोगों का मानना है कि समय यात्रा मुमकिन है और कई लोग इससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। पर क्या सच में उस जिंदगी में जाना मुमकिन है जो हम जी चुके हैं या फिर जीने वाले हैं? क्या हम प्रकृति के नियम तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं? समय यात्रा के विज्ञान के अनुसार आप भूतकाल में नहीं जा सकते, मतलब जो जिंदगी हमने जी ली है वहां पर हम जाकर उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई विरोधाभास है। जैसे कि कोई लड़का अपने बीते कल में जाकर अपने माता पिता की हत्या वाली जो बात मैंने आपको ऊपर की है वो वाली बात आ जाती है। कई लोग का मानना है कि टाइम लूप्स होता है, जैसे कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो समय कहीं ना कहीं मौजूद है और आपने आप में चल ही रही है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो हम जो भी समय को जीते हैं वो हर समय रिकॉर्ड हो रहा है और उसके टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकते हैं, मिनट, घंटों से लेकर दिनों तक। तो क्या हम टाइम लोक में प्रवेश कर सकते हैं? कहते हैं कि हर एक लोक का एक दरवाज़ा है और यह केवल काल्पनिक है। पहले हम विरोधाभास को सुलझाना होगा, तभी हम भूतकाल में ट्रेवल कर या यात्रा कर सकते हैं, जो कि अभी के लिए असंभव है। भविष्य में समय यात्रा संभव है या नहीं, ये एक चर्चा का विषय है। इसके बारे में कहा जाता है कि भविष्य में यात्रा करना बिल्कुल संभव है, लेकिन भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें हाईफाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। जो जिंदगी हमने अभी तक जी नहीं है तो उसका किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा, जो कोई डायरेक्ट तो दरवाजा होगा नहीं। एक उपाय है, अगर हम खुद के समय को धीमा कर दें
मतलब कि हम इतनी गति से समय यात्रा करें कि हमें लगे कि हमने केवल एक घंटा ही बिताया है, पर धरती पर कम से कम 10 साल बीत गया हो तो हम भविष्य की यात्रा में जा सकते हैं। इसके दूसरे विरोधाभास है, और विरोधाभास इसके इतने ज्यादा हैं कि इन ही विरोधाभासों के चलते समय यात्रा को असंभव माना जाता है। न्यूटन ने समय को एक वाहन के जैसा माना था, जिसे एक बार छोड़ दिया तो सीधी रेखा में चलता रहता है। पृथ्वी पर 1 सेकंड मंगल पर 1 सेकंड के बराबर था। ब्रह्मांड में फैली हुई घड़ियां एक गति से चलती थी। आइंस्टीन ने एक नई क्रांतिकारी अवधारणा को जन्म दिया। उनके अनुसार समय एक नदी के प्रवाह के जैसे है, जो सितारों आकाशगंगाओं के घुमावों से बहता है, और इसकी गति इन पिंडों के पास से बहते हुए कम ज्यादा होती रहती है। तो पृथ्वी पर 1 सेकंड मंगल पर 1 सेकंड के बराबर नहीं है। ब्रह्मांड में फैली हुई घड़ियां अपने अपने गति से चलती है। तो आइंस्टीन की मृत्यु से पहले उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा था। आइंस्टीन के प्रिंसटन के पड़ोसी कट गोल्ड, जो पिछले 500 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ गणित तर्कशास्त्री हैं, उन्होंने आइंस्टीन के समीकरणों का एक ऐसा हल निकाला जो समय यात्रा को संभव बनाता है। पॉसिबल है, निकट भविष्य में पॉसिबल है, अभी फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। 1963 में न्यूजीलैंड के एक गणितज्ञ रायकेर ने घूर्णन करते हुए ब्लैक होल के लिए आइंस्टीन के समीकरणों का हल निकाला था, और इस हल के कुछ विचित्र गुणधर्म थे। तो उसके अनुसार घूर्णन करता हुआ ब्लैक होल एक बिंदु के रूप में संकुचित ना होकर एक न्यूट्रॉन के घूमते हुए वलय के रूप में होगा, और यह वलय इतनी तेजी से घूर्णन करेगा कि अपकेंद्री बल, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे एक बिंदु के रूप में संकुचित नहीं होने देगा, और यह वलय एक तरह से एलिस के दर्पण के जैसा होगा, और इस वलय से जाने वाले यात्री मरेगा नहीं बल्कि एक दूसरे ब्रह्मांड में चला जाएगा। तो इसके पश्चात आइंस्टीन के समीकरणों के ऐसे सैकड़ों हल खोजे जा चुके हैं जो समय यात्रा पर अंतरिक्षीय सुराखों की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान गाड़ी चला रहा है और उसके 2 किलोमीटर जाने के बाद रोड बंद हो या एक बड़ा गड्ढा है, पर गाड़ी चलाने वाला इंसान को उसकी जानकारी नहीं है। पर एक इंसान जो प्लेन में है वह गाड़ी में बैठे इंसान का भविष्य देख पा रहा है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसे ऐसे हाई फाई टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो समय को हरा दे, फिर हम समय यात्रा मतलब टाइम ट्रेवल मतलब भविष्य में कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।